2011 हो या फिर 2023, मसला सिर्फ एक ही और वो है हमारे मिडिल ऑर्डर का। 2011 में भी हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी, 2019 में भी यही सीन हुआ कि जब हमारे 117 पर एक आउट था लेकिन उसके बाद 165 पर जाकर हमारी 6 विकेटें जो है वो चली गई थी, और आज के दिन भी यही सीन हुआ है। पता नहीं हमारी टीम कब बड़े मैचेस में फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी, मतलब जब भी बड़ा मैच होता है हमारी टीम जो है वो बिगी बिल्ली की तरह क्रिकेट खेलती है और फजूल का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर कोलैप्स कर जाते हैं। बाबर आजम और रिजवान जब तक विकेट पर थे तब तक हमारी प्रिडिक्शन यही थी कि भाई हम 300 प्लस स्कोर बनेगा। जैसे ही बाबर आउट हुआ उसके बाद फिर ऐसी लाइन लगी जैसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर लगी होती है। क्या ड्रेसिंग रूम में पार्टी हो रही थी कि एक बल्लेबाज आ रहा है और आते साथ ही जो है वो दोबारा ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा है, मतलब कोई स्कोर नहीं बना रहा, कोई 6 पे जा रहा है, कोई 4 पे जा रहा है, कोई 2 पे जा रहा है, और इसी तरह करते करते जो है वो 191 स्कोर पर हमारी 10-10 विकेटें गिर गई। अब मैच की बात क्या करें यार, मैच तो सब ने देखी ही। अब जैसे ही हमारा थोड़ा स्ट्राइक रोटेट होना शुरू है, स्ट्राइक रोटेशन होती है उसी वक्त ही हमारी जो है विकेटें जाना शुरू हो गई है, मतलब थोड़ा सेटल्ड हुआ। जब मारने का टाइम आया अब्दुल्ला भी आउट हो गया, उसके बाद फिर जब इमामुल हक के मारने का टाइम आया तो इमामुल हक साहब भी आउट हो गए, और उसके बाद जब फिर बाबर आजम का थोड़ा पेलने का टाइम आया तो बाबर भैया भी आउट हो गए, और फिर साथ ही कोलैप्स शुरू। जब पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये विकेट इतनी मुश्किल है कि यहाँ पे तो 250 रन चेज करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब रोहित शर्मा आया तो उसने आके बताया कि ये अहमदाबाद की विकेट पर ऐसे खेलते हैं, और जितना टोटल हमारी टीम ने किया था भाई साहब इतना तो रोहित शर्मा शुगल शुगल में मार जाया करते अपने होम ग्राउंड में। आज के मैच में हमारे लौंडों से प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और जो है वो कोलैप्स कर गए, जबकि इंडियन सारी जितनी की जितनी भी प्लेइंग 11 इस वक्त भाई पूरी फॉर्म में और इनकी एक सेटल्ड प्लेइंग 11 है। आप एग्री करो कि ना करो, कुलदीप जडेजा दो बड़े स्पिनर्स हैं उनके पास, और उसके बाद उनकी मेन जो गन है वो है हार्दिक पांड्या। अब जैसे ही शार्दुल ठाकुर को कुट पड़ना शुरू हुई तो रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को लगा दिया और बाकी के सारे ओवर्स उसी से करवाए और उसी ने दो मेन विकेट्स भी निकाली। हमारे पास इस तरह का प्रॉपर कोई ऑलराउंडर नहीं है, बेशक वो नवाज है, शदाब है, लेकिन नहीं है भाई वो ऑलराउंडर आप ही कंसिडर करते हो, हमें तो नहीं नजर आया कि वो कोई ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ कि जब उनके स्पिनर आते हैं हम यार ये कुलदीप आ गए, यार यशवंत आ गए, जडेजा आ गए, वो कहते होंगे यार अच्छा यार शदाब आई, इनकी कोई टेंशन नहीं यार, बाकी टेंशन नहीं लेनी मेरी जान, अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करनी, मैच था हार गए कोई मसला नहीं, वर्ल्ड कप अभी बाकी है और इंशाल्लाह हमारी टीम जो है बाउंस बैक करेगी। सबसे मेन सॉलिड तरीका बताता हूँ मैच हारने के बाद उसका दुख कम करने का, सोशल मीडिया यूज करना छोड़ दो और खाना वगैरह खाओ, चिल करो, कोई सीरीज देखना शुरू कर दो, कोई फिल्म देखना शुरू कर दो, आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करोगे उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस लोगे मैच का, बाकी चिल सीन है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम बाउंस बैक करेंगे। क्रिकेट था यार, इट्स पार्ट ऑफ गेम, और वैसे भी जहाँ पे साथ हारे हुए थे वहाँ पे एक और हार गए वर्ल्ड कप में, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी कल की एक डिटेल वीडियो में मिलते हैं, लेकिन हाँ ये सब जरूर करना, चिल भी करना, सीरीज भी देखनी है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो के साथ, टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल।